हम बहुत ही छोटी उम्र से 1981 की फिल्म रिलीज है उमराव जानन, और बहुत ही इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, आज तक इसका संगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हम जब जब हमारे बचपन में हम जब सुन रहे थे गाने, तो यही हमारी एक इंडियन म्यूज़िक के लिए यही शुरुआत थी हमारे। और दोनों, मैं और सुलेमान, हम लोग जब शास्त्रीय संगीत सीखते थे तो ये अपने आप में एक पॉपुलर फॉर्म हो गया था इंडियन म्यूज़िक का, क्योंकि जाहिर है फिल्म में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। और तब से मेरी तमन्ना थी कि कुछ हम करेंगे इसके साथ। और जब म्यूज़िकल्स, हमें लगा कि म्यूज़िकल्स हमारे हमारे देश में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे, तो हमने ये सोचा कि शायद उमराव जान का म्यूज़िक और उसका म्यूज़िकल थिएट्रिकल प्रोडक्शन एक अच्छा वेंचर रहेगा। तो हमने कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को पसंद आया। देखिए, म्यूज़िकल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी नया है, और बहुत कम ऐसे थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं जिसमें म्यूज़िकल प्ले बनता है। तो हम हमेशा ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा म्यूज़िकल आए जो सब सुन सके, देख सके। आप थिएटर के अंदर घुसो तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, एक मुग़ल पीरियड के अंदर जाके ऐसे लगे आपको कि ये मुग़ल पीरियड में हम गए और देखा कुछ। तो बस आशा यही है कि अच्छे से जाए शो और सब लोग एंजॉय कर सकें। म्यूज़िक द नाम म्यूज़िकल होता है, तो म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हमने कोशिश ये की कि इस उमराव जान का जो म्यूज़िक है, जो 19th सेंचुरी में अर्ली अर्ली 19th सेंचुरी में बेस था, ये एक एक्चुअली बुक है, उमराव जाना था। और हमने कोशिश ये की कि हम किताब, जो बुक थी, जो नावल थी, उसको हम रिप्रेजेंट करें, और इसका जो म्यूज़िक है वो फिल्म से हम उठाएं। तो फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ, तो हमने पहली बात तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम म्यूज़िक वही रखेंगे जो फिल्म का है, ना कि हम कोशिश करेंगे कुछ अलग, क्योंकि इस फिल्म की पहचान, इस कहानी की पहचान, इसकी स्टोरी की पहचान इसके म्यूज़िक से ही हुई है। खयाम साहब का म्यूज़िक है और शारियार के लिरिक्स हैं। तो हमने इस म्यूज़िक को, जो उमराव जान का म्यूज़िक है, उसको रीऑर्केस्ट्रेट किया है, लेकिन उतना ही ऑथेंटिक रखा है, उतनी ही चीज़ें उसमें रखी है जो ओरिजिनली है, उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है। कुछ कुछ चीज़ें हमने अलग की है म्यूज़िकल के तौर पे, बट मोस्टली हमने सेम ही रखा है। रेखा जी, रेखा जी आशा जी, बहुत खयाम साहब, शारियार, शारियार। फारूक शेख जी, पूरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे पता है ये फिल्म वापस भी बनी थी ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ, जेपी दत्ता जी ने बनाई थी, लेकिन समाव जो ओरिजिनल उमराव जान था वो ओरिजिनल था। आप देखिए, म्यूजिकल है तो म्यूजिक, जैसे उमराव जान की स्टोरी तो सबको पता है, तो उमराव जान की स्टोरी हम रिप्रेजेंट करेंगे थिएटर में। कुछ 90 to 100 मिनट्स का प्ले है विथ वन इंटरवल, और आशा हमारी यही रहती है कि हम आपको ले जाए मुगल पीरियड के अंदर, जब ये डांसेस होते थे, और वो जब ये पूरा हीरा था, तो वहाँ पे हम आपको ले जाए और एक उस समय का दृश्य दिखाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ रहे सुलेमान, कम है कम।